एक बार मेरी दुकान पे एक कस्टमर ने 500 रुपए का सामान खरीदा और पेटीएम करके पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखा दिया, लेकिन जब मैंने अपना फोन चेक किया तो कोई पेमेंट नहीं आया हुआ था। तो मुझे पता चल गया कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। मैं पहले तो बहुत रोया, लेकिन फिर मैंने पता लगाया कि फेक पेटीएम नाम से बहुत सी एप्स आती है जिसमें नंबर और अमाउंट डालने पे वो एकदम रियल जैसे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है। तो इसके बाद से मैं अपने सारे कस्टमर्स को तब तक नहीं जाने देता जब तक मेरे फोन में पेमेंट सक्सेस का मैसेज नहीं आ जाता। लेकिन इससे मेरे कस्टमर्स बहुत परेशान होने लगे और उन्होंने दुकान में आना भी बंद कर दिया। तो ऐसे ही सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते एक दिन मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, 40 रुपए प्राप्त हुए। तो मैंने भी इसको अपनी दुकान पर लगा लिया। अब मेरे पेमेंट की दिक्कत तो खत्म हो गई। प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों, हर महीने 200 का फटका लगता है, उसका क्या करें? कमेंट में बताओ।